वीर गोयल लुधियाना से, मेंबर पंजाब मेडिकल काउंसिल। सभी हमारे यंग डॉक्टर्स जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट्स देखते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूं। बिकॉज़ डायबिटीज़ हमारे जो है बहुत कॉमन है, हम डे टू डे प्रैक्टिस में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत देखते हैं और डायबिटीज़ जो है इंडिया जो है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी बन चुका है। सो अगर और भी किसी भी स्पेशलिटी में आप काम करते हैं, स्टिल आप डायबिटीज़ पेशेंट देखे ही देखेंगे। जैसे कि हम रूटीन में पेशेंट देखते हैं और उनको ट्रीटमेंट डालते हैं, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में आपका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ मेडिसिन लिखना नहीं होना चाहिए। आपका जो मेन एम होना चाहिए वो ये है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ रहनी है और उनको समझाना चाहिए कि हाउ टू लिव विद डायबिटीज़, कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, कैसे वेट कंट्रोल करना है, कैसे खाना पीना कंट्रोल करना है, कैसे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो दूर करना है और रोज़ सैर करनी है, व्यायाम करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दवाई के अलावा जितने भी और तरीके हैं जिससे कि हम शुगर को कंट्रोल रख सकें और शुगर को आगे और कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में ना होने दें शुगर के कारण, वो हमारा मेन एक एम होना चाहिए और एक हमारा प्रैक्टिकल वे होना चाहिए कि पेशेंट को खुद डॉक्टर बन के उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी रहे और 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद भी उनके ऊपर कोई डायबिटिक्स की कॉम्प्लिकेशंस ना आए। जैसे कि हम रूटीन में देखते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, या ओबेसिटी है, साथ में हाइपरटेंशन है लीडिंग टू मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, कॉर्निया डिजीज़ और CVA अल्टीमेटली हो जाता है। तो बड़ा दुख लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की जो जनरल पब्लिक है उनको बिल्कुल भी हेल्थ एजुकेशन नहीं होती है कि हम शुगर जो है उसको उसकी दवाई ले रहे हैं, उसके बावजूद हमें इतना कैसे हमारे बॉडी को डिफेक्ट पड़ गया या नुकसान हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से पेशेंट को सिर्फ दवाई ना लिखते हुए पेशेंट को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें कि आपने वेट कंट्रोल रखना है, डाइट कंट्रोल रखना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, वॉक करना है 40 मिनट्स 4 टाइम्स ए वीक, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखना है, डाइट में अपार्ट फ्रॉम कार्ब्स ज़्यादा फैट्स भी नहीं लेने हैं ताकि और चीज़ें आपके बॉडी में प्रॉब्लम ना करें। इन सारी चीज़ों से अलावा मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि अगर आप जैसे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, बाद में प्रैक्टिस में जाते हो, आप 5 साल से 10 साल से पेशेंट्स को देख रहे हो, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 15 साल से आ रहा है, कोई 5 साल से डायबिटिक है, तो आपको एक माइंड में एक चीज़ रखनी चाहिए कि इन पेशेंट्स को कहीं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसको हम डायबिटिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, वो तो नहीं डेवलप हो रही। उसके लिए बहुत पहले ही स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट जो पेशेंट कहता है कि मेरी शुगर घट गई, जो मैं पेडसेले इंसुलिन लगाता था वो इंसुलिन लगाने की मुझे कम ज़रूरत पड़ रही है, अगर मैं मेडिसिन पहले लेता था उससे कम ज़रूरत पड़ रही है, उसको खुश नहीं होना चाहिए। वो सोचता है कि मेरी तो शुगर ख़त्म हो रही है बॉडी से। आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी शुगर ख़त्म नहीं हो रही, रादर उसको पेशेंट को शायद डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज़ डेवलप हो रही है। पेशेंट अगर साथ में एनीमिक हो रहा है, उसके में खून की कमी आ रही है, उसको जल्दी थकावट हो रही है, उसको रात को यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ रहा है, और पेशेंट की जो है शुगर की इंसुलिन, शुगर के लिए इंसुलिन की मात्रा है वो कम हो रही है, तो इस अर्ली से अर्ली जल्दी से जल्दी आपको डायबिटिक किडनी डिजीज़ के लिए उसको टेस्ट करना चाहिए, उसके एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशो ऑफ द यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, उसकी क्रिएटिन टेस्ट करानी चाहिए, उसका यूरिया टेस्ट कराना चाहिए, और उसकी जो है ट्रीटमेंट उसी टाइम पे ऐसी मेडिसिन जो हैं जो कि हम डायबिटिक किडनी डिजीज़ में शुगर की दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, उनको बंद करके पेशेंट को इंसुलिन पे डालना चाहिए
और या जो लेटेस्ट मेडिसिन हैं जी एल टू इनिबिटर्स हैं या डी पी फोर इनिबिटर्स हैं, जब तक वो हम डाल सकते हैं उनमें डाल के पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आगे के लिए हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि जब पेशेंट को डायबिटिक किडनी डिजीज़ एस्टेब्लिश होगी तब उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि जो भी एक डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं, पहले उसकी लंबी आयु करें, और जो लंबी आयु है उसके जो लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ हैं उसकी, उसमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ना कि वो लाचार है या उसको कोई पैरालिसिस हो गया या न्यूरोपैथी हो गई या आँखों के ऊपर किसका इफेक्ट हो गया या किडनी डैमेज हो गई, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी, उसकी लंबी आयु का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम बीइंग मेडिकल पर्सनल, बीइंग नॉलेजेबल पीपल, हम उनको ये नॉलेज इम्पार्ट करें, उनको दें कि आपकी शुगर की जो बीमारी है वो सिर्फ गोली लेना ही नहीं है, उससे आपकी शुगर कंट्रोल करके एक अपने आप को खुश रखना नहीं है, हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना इम्प्रूव करना है और इतना कंट्रोल रखना है शुगर को कि आज का से जो 10 साल के बाद भी टाइम आएगा, 20 साल के बाद भी टाइम आएगा, तब भी आप हेल्दी हों, हृष्ट पुष्ट हों और अपनी जो लाइफ है, आपकी लंबी आयु है, उस समय में आप किसी के मोहताज ना। थैंक यू वेरी मच।